हेलो फ्रेंड्स, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की कड़ी में आज हम रॉबर्ट एफ थॉर्ने की वर्गीकरण पद्धति डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वर्गीकरण पद्धति में हम रॉबर्ट थॉर्ने के बारे में, उनकी पद्धति के मुख्य प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में, उनकी वर्गीकरण पद्धति के सेलियंट फीचर्स के बारे में, पद्धति की आउटलाइन के बारे में और इसके गुणों और अवगुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखिए इस वीडियो को और ध्यान से वॉच कीजिए। जैसा कि हमने बात की, थॉर्ने का पूरा नाम रॉबर्ट एफ थॉर्ने हैं। इनका जन्म 1920 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2015 में हाल ही में हुई है। ये एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थी। ये रांचो सेंटा एना बॉटनिक गार्डन कैलिफोर्निया यूएसए में थी। इन्होंने शुरुआत में प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1958 में और 1963 के अंदर पब्लिश किया था। बाद में 1968 में इन्होंने सिनॉप्सिस ऑफ ए पुलटेवली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से 1968 में पब्लिश किया, एलिसो नामक जर्नल में। और बाद में इन्होंने इस वर्गीकरण के रिवाइज एडिशन 1968 से 2007 तक जारी रखे हैं। इनकी वर्गीकरण पद्धति के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिनमें से पहला सिद्धांत है, इनका मानना था कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, ये एग्जिस्टिंग स्पीशीज प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज में परिवर्तन होने से बनती हैं और ये परिवर्तन उनके अंदर इवोल्यूशनरी फोर्सेस के कारण से आते हैं, जिनसे नई स्पीशीज बनती हैं। दूसरा सिद्धांत इनका था कि जो एंसेस्ट्रल कंडीशन है, ये एंसेस्ट्रल कंडीशन के अंदर जो ट्रेंड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है उन फॉसिल्स के अंदर, उन प्लांट्स के अंदर, उनके ऑर्गन्स के अंदर, उनके टिश्यूज के अंदर और उनकी कोशिकाओं के अंदर, इनको एंसेस्ट्रल कंडीशंस को देखा जा सकता है या रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत है कि इनकी जो प्रिमिटिवनेस का जो बेसिस था, ये किसी भी करैक्टर के अंदर एंसेस्ट्रल कंडीशन है वह बाद में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती है जो पहले से करैक्टर स्थिति है, और जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वह मोस्ट प्रिमिटिव होती है पर्टिकुलर एक करैक्टरिस्टिक्स के मामले में। इसी प्रकार से चौथा इनका प्रिंसिपल था कि जो वेस्टिजियल रूडिमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो प्रेजेंस होती है या वेस्टिजियल वेस्कुलर सप्लाई होती है, यह धीरे धीरे मॉडिफाइड होती जाती है, ग्रेटली मॉडिफाई हो जाती है या मिसिंग हो जाती है ऑर्गन्स में, और ये एक तरह से उसका एविडेंस के रूप में दिखाई देती है, जो एक तरह से इवोल्यूशनरी रिडक्शन के रूप में देखने को मिलती है या लॉस के रूप में देखने को मिलती है या फ्यूजन के रूप में देखने को मिलती है या अदर मेजर मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में देखने को मिलती है। पांचवा प्रिंसिपल था इनका कि प्रिवलेंस ऑफ पैरेलल एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ हैबिट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, हैबिट फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर पैरेलल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है जो प्रिडिक्टेबल है, आसानी से देखा जा सकता है, और इसके रिजल्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर लिमिटेड मींस के रूप में देखा जा सकता है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर इफेक्टिव रिप्रोडक्शन के रूप में या अडप्टेशन टू अवेलेबल एनवायरमेंटल नीचेज के रूप में देखा जा सकता है। छठा प्रिंसिपल था कि प्लांट्स के जो सभी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट प्रोड्यूस हो सकता है
एविडेंस इज वैल्यूएबल एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप के रूप में, उसको एविडेंस के रूप में देखा जा सकता है, उनके बीच में अंतर संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। सातवां इनका प्रिंसिपल था कि इवोल्यूशन है ये धीरे धीरे इलाबोरेट होता जाता है और या रिडक्शन होता जाता है या उसके अंदर काफ़ी सिंप्लिसिटी आ जाती है या सरलता आ जाती है। आठवां प्रिंसिपल था कि जब रोल एंड डायरेक्शन ऑफ जो इवोल्यूशन होता है ये धीरे धीरे डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर वेरी करती जाती है, विभिन्नताएं आती जाती हैं। नवा प्रिंसिपल था कि जो मोस्ट एग्जिस्टिंग एंजियोस्पर्म्स हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड हैं और ग्रेटली मॉडिफाइड हैं फ्रॉम देयर प्रिमिटिव, उनके जो भी प्रिमिटिव हैं उनसे ज़्यादा मॉडिफाइड हैं जनरलाइज्ड एंसेस्टर्स के रूप में। सॉरी, दसवां प्रिंसिपल था इनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड समटाइम्स रिवर्सिबल, कई बार जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स होते हैं ये उल्टे भी दिखाई देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजेज इन एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर चेंजेज होते दिखाई देते हैं वैसे वैसे रिवर्ट भी होते दिखाई देते हैं। ग्यारहवां प्रिंसिपल था कि वन लॉस्ट ऑर्गन्स यूजुअली आर नॉट रिगेंड, यदि किसी प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर कोई ऑर्गन एक बार ख़त्म हो गया है तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है या वह पुनः डेवलप हो नहीं पाता है। बारहवां प्रिंसिपल था कि जो न्यू एंजियोस्पर्म्स स्ट्रक्चर्स हैं ये हैव अराइजन एज मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन से जो एट प्रेजेंट एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। तेरहवां प्रिंसिपल था कि जो रेस्ट्रिक्टेड अकरेंस ऑफ अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक्स है ये लैकिंग अपरेंट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, यदि किसी लक्षण की आवश्यकता ही नहीं है तो वह लक्षण धीरे धीरे रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है या लीकिंग हो जाता है ड्यू टू अपरेंट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के कारण से, और ये एक प्रकार का इंडिकेशन है रिलेशनशिप को शो करने का, और ये जब दूसरे लक्षण से कोरिलेट करते हैं तब देखने को मिलता है। चौदहवां प्रिंसिपल है इनका ओकेजनल अटेनमेंट ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स से, कभी कभी ओकेजनली कोई भी कुछ करेक्टर्स होते हैं ये इस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि वे वैल्यूएबल होते हैं डिटर्मिनेशन के अंदर, निर्धारण करने के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी फैमिलीज या किसी ऑर्डर की जो एफिनिटीज है उसको देखने के अंदर वैल्यूएबल होते हैं। अंतिम जो इनका पंद्रहवां प्रिंसिपल था ये था कि जो एम्ब्रियोज हैं या एंड जो सीडलिंग्स हैं डिसिमिलर प्लांट्स के ऑफन रिजेंबल ईच अदर मोर देन डू द अडल्ट प्लांट्स, वैक्स जो पादप होते हैं उनकी तुलना में उनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो सीडलिंग्स होते हैं ये ज़्यादा असमान दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ देयर अपरेंट रिटेंशन ऑफ प्रिमिटिव करेक्टर्स, उनके अंदर जो प्रिमिटिव करेक्टर्स होते हैं उनके अंदर अपरेंट रिटेंशन दिखाई देता है, इस कारण से वो डिसिमिलर दिखाई देते हैं। इस वर्गीकरण पद्धति की कुछ सेलियंट फीचर्स हैं उनमें हम बात करेंगे कि इनका मानना था कि इन्होंने विशेष रूप से फाइटोकेमिकल अप्रोच को ज़्यादा एम्फेसिस दी है इस वर्गीकरण पद्धति में, और इसी के साथ साथ में इन्होंने कई आस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया है, और ये आस्पेक्ट्स हैं इन्होंने सीड मॉर्फोलॉजी को, पॉलन एम्ब्रोलॉजी को, कंपैरेटिव एनाटॉमी को, एम्ब्रोलॉजी को, साइटोलॉजी को, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को, प्लांट जियोग्राफी को, पेलियोबॉटनी को आदि इन्फॉर्मेशंस को भी इन्होंने अपने वर्गीकरण के अंदर शामिल किया है। ही बिलीव्ड, इनका मानना था कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये मोनोफाइलेटिक हैं या एकल प्रारूपिक प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के समूह से या ग्रुप से या पादपों के समूह से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने 1983 के अंदर एंजियोस्पर्मी, जिसे इन्होंने एनोनोप्सिडा कहकर पुकारा है, इसे दो क्लासेज के अंदर, इस क्लास को दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया है, एक को एनोनीडी कहा है और दूसरी को लिलीडी कहा है।
एनोनिडी के अंदर डाइकोटिलीडंस को शामिल किया है और लिलीडी के अंदर मोनोकोटिलीडंस को शामिल किया है। डाइकोटिलीडिनी या एनोनिडी को फर्दर 19 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। इनमें से पहला सुपर ऑर्डर एनोनी फ्लोरी है और अंतिम सुपर ऑर्डर एस्ट्री फ्लोरी है, और इसमें कुल 41 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें से पहला ऑर्डर एनोनी फ्लोरी है और अंतिम सुपर ऑर्डर एस्ट्री फ्लोरी है, जिसमें से एनोनी फ्लोरी से एनोनेल्स और एस्ट्री फ्लोरी से एस्ट्रिल्स नामक ऑर्डर आते हैं 41 ऑर्डर में से। और इस डाइकोटिलीडंस में टोटल 297 फैमिलीज आती हैं। दूसरी तरफ लिलीडी या मोनोकोटिलीडंस की बात करें तो इन्होंने मोनोकोटिलीडंस को 9 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, जिनमें से पहला सुपर ऑर्डर है लिली फ्लोरी और अंतिम सुपर ऑर्डर है कॉमिलिनी फ्लोरी, और इसमें 12 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें से प्रथम ऑर्डर लिलील्स आता है और अंतिम ऑर्डर जिंजीब्रिल्स आता है। इन्होंने 1992 के अंदर पुनः इस वर्गीकरण पद्धति को रिवाइज किया एज ए क्लासिफिकेशन एंड जियोग्राफी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप में, और इसे बॉटनिकल रिव्यू नामक जर्नल के अंदर पब्लिश किया। इन्होंने जो टैक्सा है उन टैक्सा के नामकरण के कुछ नॉर्म्स फिक्स किए और उस नॉर्म्स में सब क्लास के नाम के अंत में IDEE शब्द लगाया और सुपर ऑर्डर्स के नाम के अंत में ANEE शब्द लगाया और ऑर्डर के नाम के अंत में ALESL शब्द लगाया, सब ऑर्डर के नाम में INAE शब्द लगाया, फैमिलीज के नाम के अंत में ACAE शब्द लगाया, सब फैमिलीज के नाम के अंत में OIDOIDEAE शब्द लगाया और ट्राइब के नाम के अंत में INEAE शब्द लगाया। यानी कि इस प्रकार से इन्होंने ICBN के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सफिक्स हर एक टैक्सा के नाम के साथ अंत में लगाए, और इन्होंने इस वर्गीकरण के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लास के रूप में माना और इस क्लास को इन्होंने 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। एक सब क्लास को नाम इन्होंने मैग्नोलिडी कहा और दूसरे को लिलीडी कहा। मैग्नोलिडी में डाइकोट्स को रखा और लिलीडी में मोनोकोट्स को रखा। मैग्नोलिडी सब क्लास को इन्होंने 19 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया, जिसमें से 52 ऑर्डर्स आते हैं, और लिलीडी को इन्होंने 9 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया, जिसमें से 24 ऑर्डर आते हैं। मैग्नोलिडी की शुरुआत मैग्नोलियल्स ऑर्डर से होती है और समापन लेमियल्स ऑर्डर से होता है। लिलीडी की शुरुआत ट्रायोडियल्स नामक ऑर्डर से शुरू होती है और रेस्टियोनेल्स नामक ऑर्डर से समापन होती है। इस वर्गीकरण की रूपरेखा देखें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं सब क्लास मैग्नोलिडी जिसमें डाइकोट्स आते हैं और सब क्लास लिलीडी जिसमें मोनोकोट्स आते हैं। मैग्नोलिडी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और एंड सो ऑन 19 सब क्लास ऐसे कैसे इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, जैसे सुपर ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, 19 सुपर ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं और सब क्लास से लिलीडी के अंदर मोनोकोट्स के अंदर ये 9 सुपर ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से शुरू में ट्रायरोडिनेस आता है और अंत में कोमेलाइनी ऑर्डर सब सुपर ऑर्डर आता है। इस प्रकार से ये इस वर्गीकरण की रूपरेखा और सेलिएंट फीचर्स थे। इस वर्गीकरण पद्धति की कुछ मेरिट्स भी हैं और उन मेरिट्स में पहली मेरिट है कि इन्होंने इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर सभी इन्फॉर्मेशंस को शामिल किया है, उनमें से मॉलिकुलर सिस्टमेटिक से लेकर के कीमोटेक्सोनोमी तक की सभी सूचनाओं को इसमें शामिल किया है इस वर्गीकरण पद्धति में। दूसरी इस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है कि ये पद्धति हाईली फाइलोजेनेटिक है और इसमें इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को एज ए क्लास के रूप में रखा है। तीसरी इसकी विशेषता या मेरिट है कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं डाइकोट्स और मोनोकोट्स हैं इनको
अबोलिश किया है डाइकोट्स और मोनोकोट्स के नाम में न रख करके मैग्नोलिडी या लिलीडी के नाम से इन्होंने जाना है। और एंजियोस्पर्म को इन्होंने 19 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है और फाइलोजेनेटिक थिंकर्स के रूप में ये क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। चौथी इसकी गुण है या विशेषता है कि इन्होंने जो वुडी एनोनेल्स को हैं उनको शुरुआत में रखा है, जो मोस्ट प्रिमिटिव हैं लिविंग एंजियोस्पर्म्स में से, जो ये इस वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत के अंदर है। इसी प्रकार से बर्बरिडेसी और निम्फियल्स, ये जो मोर एडवांस्ड फैमिली हैं एनोनेल्स को, इनको इन्होंने बाद में रखा है। इसी प्रकार से डाइकोटिलिडिनी मच मोर फाइलोजेनेटिक है अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं तो। इसी के साथ में जो ऑर्डर इरिकेल्स है, इबिनेल्स है या प्राइमोलेल्स है, ये मोर एडवांस्ड हैं सुपर ऑर्डर थीली फ्लोरी के मेंबर्स में से। छठी इसकी विशेषता है अमेंटीफेरी नामक के जो सुपर ऑर्डर है इसको अबोलिश कर दिया गया है और इसकी जो फैमिलीज हैं उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके डिफरेंट ऑर्डर्स में और उनके नियर बाई रिलेटिव्स में से। सातवीं इसकी विशेषता या गुण है कि इन्होंने जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को इंक्लूज कर दिया है, जैसे मालवेल्स है, अर्टिकेल्स है, रेमनेल्स है, यूफोरबियल्स है या सोलिनेल्स है या कंपेनल्स है, इसको सुपर ऑर्डर मालवी फ्लोरी के अंदर रख दिया है और इसे सही माना है। आठवीं इसकी विशेषता है कि इन्होंने पिटोस्पोरेल्स और प्रोटियल्स जो नामक मोर एडवांस्ड ऑर्डर हैं, जो रोजेल्स की तुलना के अंदर मोस्ट एडवांस हैं, इनको विशेष रूप से एक सुपर ऑर्डर रोजिल फ्लोरी के अंदर रखा है। नवीं इसकी विशेषता है कि इसमें फैमिली स्टाइलिडेसी को सुपर ऑर्डर सेक्सी फ्रेगिनी के अंदर रखा है रोजेल्स ऑर्डर के तहत। इसी प्रकार से डिस्पेक्चेल्स को कॉर्नेल्स के साथ साथ में रखा है और इसे सुपर ऑर्डर कॉर्नी फ्लोरी के अंदर रखा है। इसी प्रकार से ग्यारहवीं इसकी विशेषता या गुण है कि जो मोनोकोटिलिडन्स की सब क्लास हैं उनमें से ऑर्डर लिलीज को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में रखा है और जो इस सब क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसकी जो हाईली इवोल्ड फैमिली है ये ऑर्किडेसी है। ऐसे एलिस्मिटेल्स को मोर स्पेशलाइज्ड माना है लिलीज की तुलना में। बारहवीं इसकी गुण है कि इसमें टाइफेल्स ऑर्डर की जो टाइफेसी फैमिली है ये मोर एडवांस्ड है एरेसी की तुलना में, जो हालांकि कुछ लोगों की कॉन्ट्रेरी है। ट्रेडिशनल रिलेटिव्स जो इसकी टाइफेल्स हैं जैसे पेंडेनिल्स हैं, इसको भी इसमें शामिल कर लिया है सुपर ऑर्डर एरेसी फ्लोरी के रूप में। और इसमें ऑर्डर्स आते हैं एरिकेल्स, साइक्लेंथेल्स नामक ऑर्डर्स आते हैं। तेरहवीं इसकी विशेषता है कि अमोंग कोमी लाइनेल्स जो ऑर्डर है इसमें ब्रोमिलिएसी को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में रखा है और पोएसी जो मोस्ट हाईली इवोल्ड फैमिली है इसको इस ऑर्डर के अंदर रखा है लास्ट में। इसी प्रकार से इस वर्गीकरण पद्धति के कुछ अवगुण भी हैं, दोष भी हैं। उनमें से पहला अवगुण ये माना गया है कि ये वर्गीकरण पद्धति प्रैक्टिकल नहीं है प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन इजीली नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका डीमेरिट है कि इसके अंदर थोरने का जो व्यू है ये कहता है कि एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम टेरिडोस्पर्मस मेंबर्स, इनका कहना है कि एंजियोस्पर्म्स की जो उत्पत्ति हुई है कुछ टेरिडोस्पर्मस मेंबर्स से हुई है, बीजाणुधारी टेरिडोफाइट से हुई है, जिसे सेवरल टेक्सोनोमिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये इसका अवगुण है। इस प्रकार से अंतिम रूप में हम कह सकते हैं जो हमने पहले वाले वर्गीकरणों के लिए कहा है कि कोई भी वर्गीकरण अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, वह एक निश्चित समय तक अपनी पूर्णता लिए रहती है, लेकिन जैसे जैसे शोध होते जाते हैं
वैसे वैसे उसके अंदर परिवर्तन होते जाते हैं और उसकी जगह दूसरी नई पद्धति ले ली जाती है। इसलिए जब तक वह पद्धति सामने आती है वह अपने आप में अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे नई रिसर्चेज आती जाती हैं वैसे वैसे उसके अंदर समय के अनुसार बदलाव होते जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने थॉर्ने की वर्गीकरण पद्धति के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।